नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पंजाब केसरी में। राजधानी दिल्ली में चांदनी चौक के बूथ नंबर 32 पर 19 मई को दोबारा से वोटिंग की जाएगी। इसकी वजह यह है कि इस बूथ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर मॉक पोल को हटाना भूल गए थे। इसी की वजह से यहां के लोगों के वोट और मॉक पोल दोनों मिक्स हो गए हैं। चुनाव कार्यालय के अनुसार दिल्ली के इतिहास में इस गलती की वजह से कभी भी दोबारा से वोटिंग नहीं की गई है, ऐसा पहली बार हो रहा है। अब रविवार को वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक की जाएगी। वोटरों को पोलिंग के लिए दोबारा स्लिप दी जाएगी। करीब 300 घरों में यह स्लिप बांटी जाएगी। चांदनी चौक सीट पर कुल 62.69% वोटिंग हुई थी। CEO डॉक्टर रणवीर सिंह ने बताया कि मॉक पोल के आंकड़े साफ नहीं किए गए थे, जो काफ़ी ज़रूरी होता है। यह मामला 17A फॉर्म यानी मतदाताओं के रजिस्टर एंट्री से भी सुलझ नहीं रहा है, इसी वजह से दोबारा मतदान की सिफारिश की गई थी। बूथ नंबर 32 पर कुल 665 वोटर हैं, जिनमें से 387 पुरुष और 268 महिला वोटर हैं। 12 मई को की गई मतदानों में यहां 200 पुरुषों और 132 महिलाओं ने वोट किया था। अनिरुद्ध ठाकुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।